फटाक खबरें 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अशोक जी को अपना ट्रैक देख लेना चाहिए, वो जब सरकार में आते हैं तो जुगाड़ की सरकार बनाते हैं और जब सरकार से बाहर जाते हैं तो उनकी दुर्गति होती है। अत्याचार कर रहे हैं प्रदेश की जनता पर, बाकी प्रदेश की जनता ने कभी उनको 98 के बाद कंप्लीट मैंडेट कभी नहीं दिया। जिस तरीके से मंत्रिमंडल पर झगड़ा हुआ, कमरों पर झगड़ा हुआ, आज भी झगड़ा बरकरार है। दुनिया में कोई ऐसी सरकार नहीं है जो 42 दिन तक बाड़े में बंद रही हो, ये चमत्कार भी गहलोत जी ने किया है। बीजेपी चीफ राजस्थान के डॉक्टर सतीश पूनिया आज भरतपुर आए हैं, दो दिवसीय दौरे पे हैं। बीजेपी के संयुक्त मोर्चाओं का एक सम्मेलन है, उसमें भाग लेने आए हैं। सर, सभी बात तो आपने कह दी, अभी हमने सुनी और समय समय पर आपके बयान भी सामने आते हैं, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा हटके है। मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस का शासन है, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस को भारत मुक्त बनाना है, लेकिन अशोक गहलोत का एक बयान भी आया कि कांग्रेस को मुक्त करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे। देखिए, अशोक जी को अपना ट्रैक देख लेना चाहिए, वो जब सरकार में आते हैं तो जुगाड़ की सरकार बनाते हैं और जब सरकार से बाहर जाते हैं तो उनकी दुर्गति होती है। पहले 56 सीटें आई थी, फिर 21 आई थी, अब 56 में से 21 को माइनस करूंगा तो सीटें माइनस में ही आएंगी। तो मुझे लगता है कि उनको नक्शा देख लेना चाहिए देश का, कि जो कभी 1885 की पार्टी देश पर राज करती थी, जिसको 55 वर्षों तक शासन करने का मौका मिला, जो अधिकांश प्रदेशों में राज करती थी, आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कामरूप तक वो सिमट गई, तो ये जाहिर है कि हिंदुस्तान की जनता ने उनको वैचारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से नकार दिया है। अब वो केवल एक राजनीतिक जबरदस्ती कर रहे हैं और इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं प्रदेश की जनता पर, बाकी प्रदेश की जनता ने कभी उनको 98 के बाद कंप्लीट मैंडेट कभी नहीं दिया। और अब राजस्थान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की हुई है, मुख्यमंत्री के घोषणा से पहले राजभवन में दो दो मुख्यमंत्रियों के नारे लगे, जिस तरीके से मंत्रिमंडल पर झगड़ा हुआ, कमरों पर झगड़ा हुआ, आज भी झगड़ा बरकरार है। दुनिया में कोई ऐसी सरकार नहीं है जो 42 दिन तक बाड़े में बंद रही हो, ये चमत्कार भी गहलोत जी ने किया है। तो मुझे लगता है कि किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ जिस तरीके की ठगी करी है, राजस्थान की जनता निश्चित रूप से मुक्त करेगी इनको। एक मुद्दा ये भी छा रहा है, धर्म संसद हुई थी उसमें कालीचरण जो संत हैं उन्होंने बयान दिया था कि राष्ट्रपिता को, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, जो काफी विवाद है, जिस पे कांग्रेस ज्यादा अडिग है कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। देखिए, वैसे कांग्रेस को तो अपने गिरेवन में झांकना चाहिए, इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति उन्होंने की, जाति और पंथ की राजनीति उन्होंने की, भाई से भाई को लड़ाया, लेकिन हमारे देश में हमारे संस्कार हैं कि हम हर महापुरुष का सम्मान करते हैं, उनकी नीतियों विचारों से बेशक असहमत होते हूँ लेकिन फिर भी उनका सम्मान होता है, तो मैं उस पर ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। बेरोजगारों का जिस तरह से धरना भी चल रहा है, काफ़ी समय से आंदोलनरत हैं, बीजेपी कितना सहयोग? देखिए, हमने रीट के लेकर, हमारे युवा मोर्चे ने एक अच्छा प्रभावी आंदोलन खड़ा किया था। अब ये हो सकता है कि बेरोजगारों की एक अपनी मर्यादा है, क्योंकि इससे प्रभावित तो लाखों लोग हैं, लेकिन राजस्थान का लाखों बेरोजगार सड़क पे आ जाए, जिस दिन आ जाता उस दिन फैसला हो जाता, लेकिन उनकी मर्यादा है। राजनीतिक पार्टी के तौर पर हम सब मुद्दों को लेकर मुखर होकर जो जनाक्रोश रैली हमने शुरू की है, उसमें 3 से लेकर 30,000 तक के लोग आए हैं, उसको लगातार निरंतर रखेंगे और इन सब मुद्दों को समाहित करेंगे, जिसमें ये रीट से लेकर, जेएन से लेकर, सब इंस्पेक्टर से लेकर, वीडियो से लेके, और अब तो ये जाहिर हो गया कि इन सब के पीछे कांग्रेस पार्टी और उसके नेता हैं। वीडियो के पेपर लीक में सीधे सीधे NSUI के महासचिव पर शक की उंगली खड़े होना, ये अपने आप में प्रमाण है। RPSC जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, डोटासरा जी ने उसको रिश्तेदार पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोगों की प्रतिक्रिया मुखर होगी। पहले कोरोना के कारण एक मर्यादा थी, पर अब लगता है जो जो कोरोना का प्रकोप कम होगा, राजस्थान की जनता और भारतीय जनता पार्टी उसको लीड करेगी और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। भरतपुर से जो भाजपा सांसद हैं रंजीता कोहली, वो जिस तरह से मुद्दे उठा रही हैं भरतपुर में, और उनकी एक शिकायत भी है कि अधिकारी, कांग्रेस सरकार अधिकारी उनकी नहीं सुनते, जो वो जांच की मांग करती हैं या कोई मुद्दा उठाती हैं तो अधिकारी जो फीडबैक लेते हैं, रिपोर्ट लेते हैं, वो उनको उपलब्ध नहीं कराई जाती। देखिए, इस बार अधिकारी बहुत नैतिक दबाव में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अधिकारियों को भी कहना चाह रहा हूँ कि जो अच्छे अधिकारी हैं उनका सम्मान होगा, लेकिन जो काम ठीक नहीं करते और जो राजनीतिक भेद करते हैं उनका भविष्य ठीक नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें, विपक्ष के नेताओं का सम्मान करें और जनहित के मुद्दों पर जो वाजिब काम है वो करें। हम गैर वाजिब की नहीं कहते, लेकिन जिस तरीके से
राजस्थान की सरकार ने, इनके मंत्रियों ने, विधायकों ने, और जो दुर्दशा की है प्रशासन की, और आज जो अपराध हैं उसका कारण भी यही कि अपराधियों को इस राज्य में संरक्षण मिलता है, वो विपक्ष की सही बात सुनते नहीं है। लेकिन समय आएगा तो इसका फैसला भी हम लोग करेंगे। सर, मेरे एक अंतिम सवाल है, आप कह रहे हैं अपराध बढ़ रहा है प्रदेश में, बढ़ते अपराध का जो कारण है वो पुलिसिंग है या सरकार की पॉलिसी है? ये दो चीज़ें हैं। जब अपराधी को ऐसा है कि एक पंचलाइन लिखी होती है थाने के बाद, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। कांग्रेस के राज में ऐसा लगता है अपराधियों में भरोसा पैदा हो गया और आमजन में भय पैदा हो गया। इसका कारण ये कि पुलिस प्रशासन और सरकार का इकबाल खत्म हो गया। अपराध तभी होता है जब अपराधी को लगता है कि मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। लगातार जो घटनाएं हैं उसमें 6.5 लाख मुकदमे दर्ज होना, लेकिन मुख्यमंत्री का ये कहना कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं उसमें 47% मुकदमे फर्जी हैं, फेक हैं। प्रदेश का गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जब ऐसी बात कहता है तो स्वाभाविक है कि इसमें लोगों का मनोबल गिरता है। और पुलिस और प्रशासन को जो संसाधन चाहिए, जिस तरीके का सम्मान चाहिए, जो ईमानदार अधिकारी हैं उनको जो संरक्षण चाहिए, उसको ये सरकार दे नहीं पा रही है। इसलिए पुलिस का भी मनोबल गिरा है, आम लोगों का मनोबल गिरा है। सरकार ने कभी भी गंभीरता से इन बातों की कभी समीक्षा नहीं की। कांग्रेस का ये भी कहना है कि पिछली जो वसुंधरा सरकार थी वो 1 लाख करोड़ का कर्जा हम पे छोड़ के गई है, हमारी वित्तीय हालत खराब है, उसको सुधारने में टाइम लगेगा। अब वो कौन सा खजाना भर के जाएंगे यहाँ पे? अशोक जी तो जब आते हैं वो हमेशा कहते हैं खजाना खाली है। मुझे लगता है कि उनका दिमाग, खजाना और सब कुछ खाली है। लेकिन ये तो एक सामान्य सी बात है कि जब कोई पीछे सरकार काम करती है, हमारी सरकार ने जो योजनाएं सैंक्शन की, जो पैसा लगाया, आज उसका उद्घाटन का ही काम कर रहे हैं। बाकी इस सरकार के भरोसे जो बुनियादी विकास है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तौर पर भी ये सरकार कमजोर है, इसलिए इल्जाम लगाती है। ये थे डॉक्टर सतीश पूनिया, बीजेपी चीफ राजस्थान, जिनका कहना है कि कांग्रेस राज में जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है वो खत्म होने कगार पर, और अगर आने वाले समय में कांग्रेस का खात्मा राजस्थान से हो जाएगा और बस और भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश पौदार, भरतपुर, राजस्थान तक।